हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट में स्वागत है। आज का ये वीडियो उन बजाज चेतक ओनर्स के लिए खास होने वाला है जिन्होंने हाल ही में 2022 की नई 2413 नंबर की बजाज चेतक परचेस की है और उन सभी को बजाज चेतक ऐप के बारे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही। तो इस वीडियो में हम बजाज चेतक ऐप के बारे में सभी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए, बिना स्किप करके देखिए। इस वीडियो में हम बजाज चेतक ऐप के सभी डिटेल्स जानने वाले हैं, जैसे कि बजाज चेतक ऐप के लिए डेटा पैक कहाँ से परचेस करना है, प्ले स्टोर से कौन सा बजाज चेतक ऐप डाउनलोड करना है, ये सब डिटेल्स हम बजाज चेतक ऐप के बारे में जानने वाले हैं। और उसके बाद में इस ऐप को हमारी बजाज चेतक से कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपके बजाज चेतक के ऐप के बारे में सभी डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, वरना ये बजाज चेतक ऐप की प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आई। इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए। तो चलिए हम हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्टेप हमारी डेटा पैक की होगी। बजाज चेतक ऐप अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा पैक परचेस करना होगा। ये डेटा पैक परचेस करने के लिए हमें हमारी चेतक.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको माय व्हीकल्स पे जाना होगा। माय व्हीकल्स पे जाने के बाद में आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको नीचे डेटा पैक का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां आपको ये डेटा पैक परचेस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। वहां हम एक साल का डेटा पैक परचेस कर सकते हैं, वो भी 1888 रुपीज़ में ये डेटा पैक हमें मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने ये एक साल के लिए डेटा पैक परचेस कर लिया है, तभी ये ऐप आप यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा बजाज चेतक ऐप के बारे में है। बजाज चेतक ऐप हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं ये बजाज चेतक का ऐप आपके सामने दिख रहा है, ये लोगो जो बजाज चेतक का है वही ऐप हमें डाउनलोड करना है, जो बजाज ऑटो लिमिटेड का ऑथोराइज ये बजाज चेतक का ऐप है, इसे ही हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में हमें इस ऐप को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये इंटरफेस आपको दिखेगा, बजाज चेतक का लोगो दिखेगा। अगला तीसरा स्टेप हमारा इस ऐप पे साइन अप करने के लिए होगा। साइन अप करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ठीक से पढ़ लेनी है और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। वहां पर हमें एक चेक बॉक्स मिलेगा, वहां क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, बाद में आपको आपका लास्ट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर जो आपने बजाज चेतक परचेस करते हुए दिया था वही सेम नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में आपको ओनर सिलेक्ट करना है और पासवर्ड में आपको आपका पसंद का पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक इजी पासवर्ड चेतक @123 ऐसा पासवर्ड आप यहाँ फिल कर सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड की जगह पे आपको वही सेम पासवर्ड फिल करना है जो
जो आपने पहले पासवर्ड फिल किया है, chetak@123, ये पासवर्ड हमने फिल कर लिया है। चौथा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहां हमें VIN नंबर फीड करना है। अभी इसके बाद में VIN नंबर आपको उसमें ऐड करना है। उसके लिए आपको साइड में ये स्कैनर दिखेगा, इस पे आप अगर आप स्कैन का ये ऑप्शन करेंगे तो इसमें ऐसा इंटरफेस आएगा। VIN नंबर ऐड करने के लिए आपको आपके बजट चेतक के पास में आना पड़ेगा। बजट चेतक का टूल बॉक्स आपको सबसे पहले खोल लेना है। उसके बाद में ये जो जगह है जहाँ पर हमारा चार्जर हम रखते हैं, उस जगह पे आपको एक बारकोड दिखेगा, उसको आपको स्कैन करना है। और अगर स्कैन करने में दिक्कत आ रही है तो उसके नीचे ही हमारे बजट चेतक का नंबर है, मेक का नंबर है, वो आपको मैन्युअली उसमें ऐड कर देना है, तो भी आपका बजट चेतक का ऐप का लॉगिन हो जाएगा। VIN नंबर वहाँ फीड करने के बाद में आपको आपकी बजट चेतक का एक प्यारा सा नाम वहाँ लिख देना है। जैसे मैंने मेरी बजट चेतक को चेतक कूल ऐसा नाम दे दिया है। कंटिन्यू करने के बाद में अगला स्टेप हमारा लॉगिन करने का होगा। लॉगिन करने के बाद में हमें हमारी बजट चेतक ऐप के जो भी परमिशंस है वो कन्फर्म करने हैं, अलो कर देने हैं, और फिर बाद में हमें सबसे पहला इंटरफेस ये दिखेगा, जहाँ पर हमें हमारा ब्लूटूथ मोबाइल का शुरू कर लेना है और हमारे बजट चेतक के पास में जाके इसे कनेक्ट कर लेना है और फिर आपका ऐप शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में बजट चेतक के ऐप के बारे में सारी डिटेल्स जान ली है। बजट चेतक ऐप में लॉगिन करने के बाद में बजट चेतक का ऐप का इंटरफेस कैसा है वो अगर आपको जानना है तो मेरा पहले वाला वीडियो है जो आई बटन में आपको दिखेगा, वो आप जरूर देखिए। तो बजट चेतक का पूरा इंटरफेस उसमें मैंने दिखाया है, तो आप वो वीडियो जरूर आप देखना। और बहुत दिनों से वो अचानक उस वीडियो पे व्यूज़ बढ़ गए, इसका मतलब बजट चेतक ओनर्स को बजट चेतक ऐप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, उनके बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए मैंने आज ये बजट चेतक ऐप के बारे में ये वीडियो बनाया था। और आपने ये वीडियो आखिर तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल के वीडियोस देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।